हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ पैंडम प्लस प्लस क्रीम की। और ये क्रीम के क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट है और क्या मिसयूज करते हैं लोग, और इसके इस्तेमाल से होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के तरीके बताने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंच रहे। तो गाइज, आपने पैंडम प्लस प्लस या पैंडम प्लस के बारे में तो जरूर सुना होगा, देखा भी होगा। कई लोग इसका इस्तेमाल करते भी हैं और कई लोग इसका इस्तेमाल करके छोड़ भी चुके हैं। ये क्रीम को ज्यादातर लोग फेयरनेस के लिए यूज किया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि ये क्रीम को यूज करने से गोरा हो जाएंगे। गोरा तो होंगे ही गाइज, डेफिनेटली गोरा होंगे। और ये क्रीम का कुछ साइड इफेक्ट भी है जो हम सबको पता नहीं होता है। और ये क्रीम में कुछ एस्ट्रॉइड डाला हुआ जो स्किन में साइड इफेक्ट होने के चांस रहते हैं। ये क्रीम यूज करने से लोग गोरे हो रहे हैं और रिलेटिव और फैमिली को भी रिकमेंड कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट से काफी लोग खुश भी है ये। और कई लोग पैंड्रम प्लस प्लस इस्तेमाल कर रहे हो और अब इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये क्रीम को छोड़ नहीं पाते क्योंकि जैसे ये क्रीम को छोड़ते हैं वैसे ही काली पड़ जाती है और पहले से ज्यादा स्किन डार्क हो जाती है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम क्या करें। तो गाइज, पहले जो मार्केट में ये क्रीम आती थी पैंड्रम प्लस, जैसे कि आप देख रहे हो, और ये क्रीम अब बंद हो चुकी है और अब ये पैंड्रम प्लस प्लस के नाम से आती है। दोनों ही एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। पैंड्रम प्लस और पैंड्रम प्लस प्लस के जो इसमें सॉल्ट डाले हुए हैं वो एकदम ही अलग ही है। और एक ही सॉल्ट सेम ही यूज किया हुआ है, क्लोवेटा सॉल्ट। और हम बात करते हैं पैंड्रम प्लस प्लस के इस्तेमाल हुए सॉल्ट में और इस क्रीम के एक्चुअली क्या यूजेस है। तो इसमें जो मेन सॉल्ट डाले हुए हैं, क्लोवेटा सॉल्ट, प्रोपेनेट, नियामाइसिन, माइक्रोनजोल। क्लोबेटासोल प्रोपिनेट, क्लोबेटासोल एक ही कार्डियो एस्ट्रॉइड है जो हमारे शरीर में होने वाली एलर्जी जैसे एक्जिमा, खुजली, दाद, सूजन, रेडनेस में इस्तेमाल की जाती है और शरीर में उन केमिकल रिलीज को रोकता है जिससे शरीर में खुजली और एलर्जी होता है। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो स्किन में बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है। माइक्रोनजोल एक एंटीफंगल है जो स्किन में फंगल इन्फेक्शन में काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शरीर में होने वाली दाद, खाज, खुजली। ये सभी इंजेंट्स के बारे में पता चलने बाद आपको पता चल ही गया होगा या ना कोई फेयरनेस क्रीम है ना स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग क्रीम है। सिर्फ ये स्किन इन्फेक्शन और एलर्जी को कम करने में करता है। और अगर आपकी स्किन में एलर्जी और इन्फेक्शन और रैशेस और सूजन है, आज आप ये क्रीम का बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद ही ये क्रीम का इस्तेमाल करें। पैंडम प्लस प्लस ये 15 ग्राम के ट्यूब के पैकेजिंग में आता है और इसका MRP लगभग 89 रुपीज है। बहुत ही सस्ती क्रीम है ये, और ये आपको कोई भी लोकल मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, मे बी ऑनलाइन आपको थोड़ी बहुत सस्ती मिले, लेकिन ये क्रीम OTC क्रीम है और इसके इस्तेमाल करते हैं या सोच भी रहे हैं तो उससे पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और ये क्रीम आप जैसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत जरूर पड़ेगी। एंड ये क्रीम का किसी भी तरह से फेयरनेस या गोरा होने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ना कि इसका इस्तेमाल फेस पर सेफ माना गया है। अगर आप ये क्रीम का यूज कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं तो उससे पहले आप एक बार डॉक्टर की राय जरूर ले लें और डॉक्टर आपको अच्छे सलाह दे सकते हैं कि इसके ये क्रीम से होने वाले साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। और इससे कुछ जैसे स्ट्रॉन्ग एस्ट्रॉइड डाला हुआ है जो आपकी स्किन को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। अब हम उन लोग की बात करते हैं जो ये क्रीम को यूज कर रहे हो और छोड़ना चाहते हो और छोड़ नहीं पाते, क्योंकि जब भी ये क्रीम छोड़ते हैं तो उनकी स्किन पहले जैसे पहले से मुकाबले काली पड़ जाती है और पहले के मुकाबले खराब दिखने लगती है। तो आप इस क्रीम का यूज करना एकदम बंद मत करिए क्योंकि उसका भी एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपको स्किन पर हो सकता है। और ये क्रीम आप जब भी यूज करना छोड़े तो पहले अल्टरनेटिव डे में यूज करना है और एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करना है, उसके अगले हफ्ते 2 दिन छोड़ के 2 दिन यूज करना है, और तीसरे हफ्ते आपको 3 दिन छोड़ के और ऐसे करके यूज करना है, धीरे धीरे करके छोड़ना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है तो आप रोज रात को सोने से पहले अपने फेस पे एलोवेरा जेल से मसाज जरूर करें। अगर आपके घर में नेचुरल एलोवेरा जेल है तो आप उससे मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल से भी मसाज कर सकते हैं और आप भी कोई भी होम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इससे आपका फेस जल्दी रिकवर होगा। और यही थी मेरी आज की रिव्यू, आई होप आपको मेरे से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट करें और फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।